बटन जो है पहले नंबर ईवीएम के पहले बटन पे ही पहले नंबर पे ही बटन दबेगा और उसको भारी बहुमत से जीता है। काम भी तो एक नंबर करना होगा अगर जनता मौका देती है तो। बिल्कुल काम एक नंबर होगा। और क्यों क्यों करें, पानी तो लगता है शहर में, नली नहीं है, गली नहीं है, लोगों को जब बारिश होती है तो घुटने भर पानी में चलना पड़ता है, सड़कों पर अतिक्रमण है, लोगों को कितनी समस्याएं होती है, रामरेखा घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है, किला मैदान में गंदगी का अंबार भरा हुआ है, सब लोग यही दावे कर रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए मुझे वोट दीजिए। क्यों वोट दे भाई जनता, देखिए तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल तस्वीर बदलेगी और इसमें जनता को अब सतर्क हो जाना है कि मुझे कहाँ और किसे मतदान करना है। पहले लूट की छूट थी, अब नहीं होगी जी। नहीं, पहले लूट की छूट क्या थी, पहले कोई सवाल नहीं करता था क्योंकि पार्षद पक्ष में रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि मिश्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम खुला दरबार हम भी हैं उम्मीदवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि इस खास कार्यक्रम में हम आपको ऐसे उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो इस बार नगर परिषद चुनाव के मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही प्रत्याशी नहीं है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। चूंकि आपको पता है कि इस बार जो नगर परिषद का चुनाव है उसमें मुख्य पार्षद के लिए और उप मुख्य पार्षद के लिए खासकर महिलाएं ही चुनाव मैदान में हैं, इसलिए उनके बीच भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है क्योंकि नामांकन को जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है और सीधे अब प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करने में लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो अंजलि देवी मुख्य पार्षद की चुनाव लड़ रही हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं शशि गुप्ता जी, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बक्सर खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आपको बहुत स्वागत है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बक्सर के समस्त जनता को अपने चरणों में नमस्तक हूँ और सबको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। चुनावी सियासत तो विसात तो बिछ चुकी है, लोग अब मैदान भी आ गए हैं क्योंकि नामांकन का जो दौर ख़त्म हो गया है, अब जो कैंपेनिंग का भी दौर है वो शुरू हो चुका है। आप पहले ये बताइए कि आप चुनावी मैदान में हैं किस सोच को लेकर इस बार? देखिए, सोच और सबका वो एक ही मुद्दा होता है जो कि विकास का मुद्दा है, जो जन समस्याओं को से निजात दिलाए, बस वही मुद्दा लेकर के हम लोग आए हैं इस चुनाव में। आप ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपकी कौन सी प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं? जी, मेरा नाम हुआ शशि गुप्ता उर्फ डब्बू, मेरी पत्नी है अंजलि देवी, जो कि इस चुनाव में उनका जो चुनाव चिन्ह है कप प्लेट है, कप और प्लेट, और जो कि क्रम संख्या एक पर है, और मेरी पत्नी है। मुख्य पार्षद के लिए वो चुनावी जी हाँ मुख्य पार्षद के लिए वो चुनाव मैदान में है। देखिए, मैं इस मेरा चेहरा तो खैर नया नहीं है, पत्नी मेरी हैं अंजलि देवी, वो महिला हैं, वो नई चेहरे हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक कार्य हुए, मैं 5 साल का कार्यकाल में अपने वार्ड पार्षद भी रह चुका हूं और मैंने अपने वार्ड का विकास किया है, जो कि मेरी जनता जो है वो बिल्कुल संतुष्ट है मेरे कार्यकाल से। तो मैं इस रूप से अपने आप को इस नगर परिषद चेयरमैन का उम्मीदवार मानता हूँ और मेरी पत्नी, चूँकि महिला सीट है तो पत्नी को मैं इस चुनावी मैदान में उतारा हूँ। आपको लगता है कि आपने जो काम किया है उसका लाभ मिलेगा आपको? बिल्कुल लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने जनता का सम्मान किया है और जनता के सभी कार्यों को मैंने समय रहते पूर्ण किया है, चाहे गली नली का कार्य हो, साफ सफाई की कार्य हो और अन्य सभी मुद्दे जैसे राशन कार्ड है, गरीब हैं, आवास के लाभ हो, ये सभी कार्य मैंने अपने क्षेत्र में किए हैं। लगता है कि इस बार चुनौती बढ़ी है? जी हाँ, बिल्कुल चुनौती बढ़ी है और जनता उसी को वोट करेगी जो इन चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है शशि जी कि चूंकि नगर परिषद में पहले भी चेयरमैन हुए, उप चेयरमैन हुए, वार्ड पार्षद भी जीत करके आए, तो जो नगर की जो सरकार भी, इसको एक तरीके से कहा जाता है, लोग जानते हैं कि विकास के लिए ही इसको जाना जाता है, लेकिन विकास को लेकर पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, लोग कहते हैं कि कहीं सफाई नहीं है, नली गली की जो हालत है वो पूरी तरह से बेकार है, तो तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि इस बार जो चुनावी मुद्दा है उस पर जनता बहुत सोच समझ करके फैसला लेने वाली है? देखिए, पहले और अब में क्या अंतर है, पहले ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले जो होती थी पार्षद जो है वो अपना चेयरमैन चुनते थे और पार्षद कैसे चुनते थे ये तो कहीं छुपा हुआ नहीं है। अब क्या है कि वो जनता डायरेक्ट अपना चेयरमैन चुनाव करेगी और चुनाव करके अपने चेयरमैन को लाएगी,
तो वह ऐसे छवि के चेहरे को चुनाव करेगी जो कि जनता के बीच में रह रहा हो और जनता से डायरेक्ट उसका संवाद हो, जनता के बीच में रहे, उसकी समस्या को सुने, और ऐसे जनप्रतिनिधि की तलाश जनता को है जिसकी कमी मैं पूरी कर रहा हूँ। मैंने आपको लगता है कि पहले जिस तरीके से सिस्टम से चुनाव होता था उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार था, उसके पूरे गुंजाइश थी, लेकिन अब जिस तरीके से सिस्टम आया है, जनता की डायरेक्ट भागीदारी हो रही है, इससे इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी? देखिए, ये इसमें तो लगाम लगना ही है, चूँकि हम पार्षद को अपने समर्थन में ले लिए और अब चेयरमैन बन गए। अब जनता के एक एक जनता का जवाब देना होगा, जो भी प्रतिनिधि यहाँ चुन के आएगा मुख्य पार्षद के रूप में, उसको जनता को डायरेक्ट फेस करना होगा और उसका जवाब का भागीदार भी वही होगा, न कि वार्ड पार्षद होगा। तो इसमें जो प्रतिनिधि आएगा उसका जिम्मेवारी भी बढ़ेगी और उसको जनता के सवालों पर खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों ने रूपरेखा भी तैयार किया होगा कि अगर जनता आपको मौका देती है, आप जीत करके इस बार आते हैं, आपकी जगह की सरकार बनती है, तो मुख्य किन किन बिंदुओं पर आपका सबसे पहले फोकस होगा, क्या कुछ आप लोग करेंगे? देखिए, बहुत से प्रतिनिधि आ रहे हैं और अपना जो एजेंडा रख रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जनता का मूलभूत समस्या है, यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, साफ़ सफाई की है, गली नली की है, और गरीबों के आवास की है, और जो हमारा अतिक्रमण मुक्त जो कि रास्ता जो अतिक्रमण है उसकी है। तो इन सब समस्याओं पर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई सपना लेके आएंगे कि यहाँ मेट्रो खड़ा कर देंगे, एयरपोर्ट बनवा देंगे, बड़ा हॉस्पिटल खड़ा, ये सब लुभावनी बातें हैं। इन बातों पर हम जनता से अपील करेंगे कि इन सब बातों पर ध्यान ना दें, मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दें। लेकिन सर, ऐसा भी तो है कि ये समस्याएं कोई आज से नहीं है, पहले भी ये समस्याएं थी, पहले भी इसको दूर करने के तमाम बड़े बड़े वायदे किए जाते थे, लेकिन नतीजा वही ढाक का तीन पाँच। आज भी जो शहर की हालत है वैसे ही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आप लोगों ने देखा है, क्यों जनता आपको चुने? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि पहले जो चेयरमैन बनता था वो कोई वादा नहीं करता था, जनता से वादा नहीं करता था, वो पार्षदों को अपने समर्थन में लेता था और जो पार्षद उसके समर्थन में रहते थे उनका कार्य होता था, और बाकी जो विपक्ष के हैं उनका कार्य लगभग ना के समान होता था। तो यहाँ तो जनता और चेयरमैन की डायरेक्ट चुनाव की बात आ गई। जनता जो वादा जो करेगा और जो सही वादा रहेगा उसको पूरा किया जाएगा, अन्यथा जो भी बात बोल रहे हैं लोग कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शिक्षा में सुधार कर देंगे, आपको स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, तो खैर ठीक है, सुधार करने की बात है, उस पर निगरानी करेंगे हम लोग ताकि उसका सुधार किया जा सके। बिल्कुल, देखा यह भी जाता है कि अमूमन जब कोई भी चुनाव होता है तो मतदान से पहले जो तमाम प्रत्याशी होते हैं वो अपने अपने जीत के बड़े बड़े दावे करते हैं, जाहिर है करना भी होता है, लेकिन चूंकि इस बार जिस तरीके से ये पूरी परिस्थितियां बन रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो अगर मौका मिलता है तो नगर के विकास वाकई होगा या फिर उसी तरह की तस्वीरें आएंगी जो इससे पहले देखने को मिलती थी? जी बिल्कुल, अगर मैं जीत के आता हूँ तो 6 महीना में बक्सर नगर परिषद क्षेत्र का हर एक गली मोहल्ला और सौंदर्यीकरण, तो मान लीजिए कि 6 महीना में बहुत कुछ तो नहीं किया जाए, लेकिन मैं 6 महीना में ही बक्सर की सूरत बदल के दिखाऊंगा। बदलेंगे, पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, मैं 6 महीना में ही बक्सर का सूरत बदल दूंगा और लगेगा कि हाँ मैं बक्सर शहर में प्रवेश कर रहा हूँ। आपको जल जमाव नहीं मिलेगा और ना ही कोई मूलभूत, अब समस्याएँ तो खैर हैं उनका अंत नहीं है, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह से लगाम लगाऊँगा। तो देख लीजिए बक्सर की जनता, ये वादे मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वादे ये कर रहे हैं, और जब ये चुनाव जीत करके आएंगे तो इसका जवाब भी आप ही को इनसे मांगना है। वैसे आप समझ लीजिए कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग सरकारी स्तर पर भी शुरू हो गई है, जो नामांकन का दौर था वो ख़त्म होने के बाद अब सीधे जो प्रत्याशी हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम प्रत्याशियों के तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उनके तरफ से इस बार नगर परिषद क्षेत्र में अगर उनको मौका मिलता है तो वो विकास की गंगा बहाएंगे। बहरहाल, जो दावे तो हैं ये पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी तस्वीरें बदली हैं और इस बार का चुनाव भी थोड़ा दूसरे तरीका का है, क्योंकि इस बार जनता की इसमें सीधी भागीदारी हो रही है। तो अब जो भी प्रतिनिधि जीत करके आएंगे वो क्या कुछ विकास की गंगा बहाते हैं वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। शशि जी, जनता के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता है, जब चुनाव परिणाम सामने आते हैं तब पता चलता है कि जनता के मन में क्या था, लेकिन अगर
जनता का मन बन जाता है, जनता आपको समर्थन देती है, तो आपने जो पहले वादा किया था कि इस बार आप लोग गंगा जो बहाएंगे विकास की, शहर की तस्वीर को बदलने की कोशिश करेंगे, यह वादा तो आपको याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, ये वादा भी याद रहेगा और मेरा पक्का इरादा भी मुझे याद अभी भी कर रहा है कि नहीं, मैं चुनाव जीतूँ और बक्सर शहर का सूरत जो है मैं बदलूँ। अभी भी बहुत से मोहल्ले हैं कि बरसात न होने के बावजूद भी गली नली जो पानी से भरे हुए हैं, उसका मैं यहाँ निदान करूँगा सबसे पहले। और जो हमारे नए बस जो ये इसमें जुड़े हुए हैं क्षेत्र, नवगठित क्षेत्र जो हैं इसमें, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो आप लोगों के समय में होता था वो अब नहीं होगा? अब नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जनता को जवाब देना है हमें, और जनता हमसे पूछेगी कि मैंने आपको वोट दिया और आपने क्या किया। तो उसके लिए जो भी प्रतिनिधि है, जो भी चुनाव जीतता है, उसको तैयार रहना होगा। और मैं जानता हूं कि मेरे पास जनता का ऐसा कोई कंप्लेंट शिकायत नहीं रहेगा जिसको मैं ना दूर कर सकूं। शशि जी, इस बार का तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, ये सबको पता है, क्योंकि जो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो महिलाएँ भी हैं। और इस बार एक चीज़ और देखने को मिला कि प्रचार के लिए, अपने प्रत्याशियों के समर्थन के लिए कुछ बाहर के भी लोग देखे गए, और जिनके तरफ से कैंपेनिंग का भी बात कही गई, जिसके बाद चर्चाओं का भी बाजार गर्म हुआ। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ असर पड़ने वाला है? जी नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बाहर से आए थे किसी के समर्थन के लिए, तो बाहर से आएंगे तो यहाँ जनता जानती है कि हमें चुनाव जिताने के पास फिर बाहर नहीं जाना है उनके पास, क्योंकि यहाँ का लोकल है उसके पास मुझे जाना है और उससे मेरा अपना कार्य करवाना है। तो इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ कि बाहर के लोगों का कोई खास प्रभाव यहाँ नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में हर बार कोशिश होती है, लोग बाहुबल, धन बल, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पक्ष में कोशिश करते हैं काम करने का, इस बार आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ दृश्य दिख रहा है क्या? जी नहीं, बक्सर की जनता जो है वो बिल्कुल शिक्षित और समझदार है, वो धन बल और जो बाकी जो हथकंडे हैं उनके ऊपर बिल्कुल उनका मत नहीं बदलने वाला है। उन्होंने मन बना चुका है कि इस बार इन सबको हटा करके एक साफ सुथरे स्वच्छ व्यक्ति का चुनाव मुझे करना है, जो कि महिला के चुनाव करना है। तो उसमें हम लोग का जो कप प्लेट निशान है और उसका क्रम संख्या एक नंबर है, और वो एक नंबर का मंच पूरे जनता बना चुकी है और एक नंबर वन को ही नंबर वन बनाएगी। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि यहाँ बटन जो है पहले नंबर ईवीएम के पहले बटन पे ही, पहले नंबर पे ही बटन दबेगा और उसको भारी बहुमत से जिताएगा। काम भी तो एक नंबर करना होगा अगर जनता मौका देती है तो। बिल्कुल, काम एक नंबर होगा और जनता का हम बता रहे हैं कि अपने जो कार्यकाल में जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं को डायरेक्ट सुनने का मैं काम करूँगा और एक एक व्यक्ति का सुझाव भी लूँगा कि हाँ इसमें क्या करना है। जनता के सहयोग से ही सरकार को मुझे चलाना है और जनता ही इसकी मालिक होगी, जनता के दिशा निर्देश पे ही। देखिए, और सब समस्याएं हैं जिसको मुझे खुद हैंडल करना है, लेकिन जहाँ जन समस्या ज़्यादा है मैं हर वार्ड का मॉनिटरिंग भी करूँगा खुद से, वहाँ के जो भी निर्वाचित पार्षद होंगे उनकी भरपूर मदद करूँगा ताकि वह अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकें, और सबके सहयोग से ही मैं इस नगर परिषद की पूरी टीम को चलाऊँगा। तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल, तस्वीर बदलेगी और इसमें जनता को अब सतर्क हो जाना है कि मुझे कहाँ और किसे मतदान करना है। और आप से अपील, मैं आपके चैनल से अपील भी करूँगा अपनी जनता से कि कहीं बहकावे में ना जाए और सही चुनाव करें, सही जगह मतदान करें और सही स्वच्छ छवि के व्यक्ति को लाएं इस चुनाव में। क्यों करें? पानी तो लगता है शहर में, नली नहीं है, गली नहीं है, लोगों को जब बारिश होती है तो घुटने भर पानी में चलना पड़ता है, सड़कों पर अतिक्रमण है, लोगों को कितनी समस्याएं होती है, रामरेखा घाट पर कोई व्यवस्था नहीं है, किला मैदान में गंदगी का अंबार भरा हुआ है, सब लोग यही दावे कर रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए। क्यों वोट दे भाई जनता? देखिए, आप मुझे वोट दीजिए और ये जितनी समस्या है, अगर मैंने 6 महीना मांगा है, मात्र 6 महीना में ही इस सारी समस्या को दूर करूँगा। कहीं आपको जल जमाव नहीं मिलेगा, कहीं कूड़ा अंबार नहीं मिलेगा और न कहीं आपको घुटने भर पानी में जाने को मिलेगा। ये मैं वादा करता हूं कि 6 महीना में तस्वीर बदली हुई नज़र आएगी। आप एक बार चुनाव तो कीजिए सही। आज मैं जनता के विश्वास को जीतना चाहता हूं, जनता के हर सवालों पर मैं खड़ा रहूँगा और कहीं मुँह छुपाने वाला नहीं हूँ। मैं आपके जितने भी विकास कार्य हैं उस पर मैं खड़ा उतरूँगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि आप एक बार मुझे मौका दें। नहीं, मुझे नहीं देना, जनता को देना, आप जनता को बोलिए। नहीं, मैं जनता को ही बोल रहा हूँ। हाँ। कि आप जनता से मैं ही अपील कर रहा हूँ कि आप मुझे एक बार मौका दें और 6 महीने के बाद अपने पक्ष को बदला हुआ देखें।
बिल्कुल देख लीजिए जनता, ये आपसे वादे हो रहे हैं सीधे सीधे और आप ही को इसका हिसाब किताब भी रखना है, इसलिए आप बाद में मुझे मत दोष दीजिएगा। तो निश्चित तौर पर आपके मन में जो आपको अच्छा प्रत्याशी लगे, आपको जिस पर भरोसा हो, आपको लगे कि ये नगर का विकास कर सकता है, तो आप उसे वोट जरूर दें। पूरा आप आश्वस्त हैं? मैं आश्वस्त हूँ अपने जीत के प्रति भी, चूँकि ये मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत है। जनता खुद के लिए वोटिंग करेगी और खुद को जिताने का काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपने देखा कि इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है और तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनसे भी हमारी बातचीत हो रही है वो लगातार अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं और उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो शहर की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। बहरहाल ये कितना सच होगा और कितना झूठ, ये तो चुनाव जब परिणाम आएंगे, लोगों को मौका मिलेगा, प्रतिनिधियों को, उसके बाद देखने को मिल ही जाएगा लोगों को। तो आज हमारे साथ शशि गुप्ता जी थे, इनकी पत्नी अंजलि देवी हैं जो इस बार मुख्य पार्षद के लिए चुनावी मैदान में हैं और इनके तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर इनको मौका जनता देती है तो ये निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि जितने भी प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं उनके जो इरादे हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होंगे। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो हमारे बक्सर खबर के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खुला दरबार हम भी उम्मीदवार, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। आपको फिर किसी अगले प्रत्याशी से इस कार्यक्रम में मिलाएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हमारे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि काम की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।